जो भी कानूनी विकल्प है वो तो हर नागरिक के सामने है उनका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि केजरीवाल जी भाग क्यों रहे हैं कौन सा सच है जिससे घबरा रहे हैं वो भाई केजरीवाल जी उस सरकार के मुखिया है जहां घोटाले का आरोप है और उनके दो मंत्री जो उनके साथ सहयोगी हैं उनके नीचे काम कर रहे थे वो जेल में है दिल्ली के शराब घोटाले को लेके अब जल बोर्ड का लेके घोटाला निकला है रोज कोई ना कोई दिल्ली में घोटाला का उजागर हो रहा है और केजरीवाल जी जो है जांच से भाग रहे तो क्या केजरीवाल जी को लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो बाहर निकल जाएगी तो उनको दिक्कत हो जाएगी बाकी अपने कानूनी विकल्प का प्रयोग करें लेकिन जनता के सामने तो यह दिख ही रहा है कि केजरीवाल जी सच से भाग रहे इनवोक द राइट अंडर लॉ एंड अप्रोच एनी कोर्ट बट द लार्जर क्वेश्चन इज वाइज मिस्टर केजरीवाल कॉन्स्टेंटली रनिंग अवे फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन He is the chief minister of Delhi. It is under his supervision that the government of Delhi is running. And two of his ministers are in jail facing serious allegations of bribes or money or not following the process in the liquor scam and the excise scam. Now there's another big uh, scandal in Delhi relating to the jail board, relating to the health department, another thing is coming out. Every day, some scandal or scam is tumbling out of the cupboard. And Mr. Kejriwal is the chief minister, but instead of joining an investigation, Instead of desiring that the truth should come out, he is constantly running away. By running away from the investigation, he is sending a clear message to the people of Delhi and the country that he has something serious to hide. He is unable to face the truth and he is scared that something serious has happened which was not correct in law, and perhaps he is worried about the consequences. <laughs> <laughs> महिलाओं के साथ जिस प्रकार से उत्पीड़न हुआ जमीन को लेकर वहां तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है हड़प रहे थे जमीन को वहां की महिलाओं ने खूब साहस दिखाकर और मीडिया के सहयोग से बंगाल और देश के सामने इस सत्य को उजागर किया तृणमूल कांग्रेस इससे भाग रही थी छिपाने का पूरा प्रयोग कर रहे थे आज कांग्रेस पार्टी अब जाग रही है कि संदेश में कुछ हुआ उस समय चुप थे क्योंकि उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के साथ एक समझौता हो सकता है तो राजनीतिक समझौता के लिए तृणमूल कांग्रेस के साथ उस समझौता के लिए कांग्रेस पार्टी उन महिलाओं के साथ अन्याय सहने देखने को तैयार थी उनके लिए कोई उनके हक के लिए लड़ने के लिए नहीं तैयार थी और आज संदेश खाली को जब प्रश्न उठा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को जवाब भी तो देना पड़ेगा उस समय चुप्पी क्यों संदेश खाली Braving all odds came out before the media and exposed the horrific truth of Sandesh Kali, where the Trinamul Congress Party and its leaders were molesting ladies, misbehaving with them, snatching away land, grabbing land. It is only because of the media and the bravery of these women that the horrific truth came out. The Trinamul Congress chose to cover it up, try to see that the truth does not come out. But the BJP and went ahead and exposed it. The Congress party at that time chose complete silence. They did not find it appropriate to comment on Sandesh Kali because they were perhaps expecting a tie-up with the Trinamool Congress. Now today when the Congress party is raising questions on Sandesh Kali, they will need to answer. Then Now that they don't have a political alliance, they are trying to take political mileage on Sandesh Kali? Why did they choose silence at that time when the women were looking for help from all quarters? Except the BJP, not one of those parties came out in the open. पांच और कांग्रेस पार्टी केवल वादे करते काम तो करते नहीं है दस साल में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी सरकार ने जिस प्रकार से काम किए अभूतपूर्व है हर वर्ग देख रहा है कि देश कैसे बदल रहा है लोगों को क्या फायदे मिले हैं अब पता पड़ता है एक सरकार उनकी सेवा के लिए लगी है तो पहले भी वादे करते थे गरीबी हटाओ की बात की थी उन्नीस में गरीबी हटाई तो वादे करना तो कांग्रेस का एक राजनीतिक इतिहास है काम नहीं करने का उनका मानसिकता है बीजेपी वादे ही नहीं काम करके दिखाती है तो जो वादे करती बीजेपी उस पर खड़े उतरती है सेवा भाव से उसे पूरा करते ये दोनों पार्टियों के okay, बीच में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो साफ दिखता है ऑफ कमिंग अप एंड प्रॉमिसिंग एनीथिंग बट नेवर वर्किंग टू अचीव इट दे स्पोक अबाउट गरीबी हटाओ रिमूविंग पॉवर्टी डिड दे रिमूव इट It is only in the last 10 years, under the leadership of Prime Minister Modi, that a government has performed with a, with a clear mandate that we have to serve the people. That the benefits of governance must reach every quarter. And India is transforming at a pace never seen before. So, this is the difference of the two models between the Congress and the BJP. The Congress promises and does nothing, the BJP makes a promise which is a commitment, and it implements it as Prime Minister Modi's government has. Either way.